तो गाइस हम लोग एक वियर्ड से इसमें आ चुके हैं। रुको एक मिनट, मैं इसको मार दूं। अब क्या इसको, ये हाँ, और मार और मार। वेरी गुड, ये रुको नहीं रहे। ओके ये परफेक्ट, ठीक है। तो ये लो, तो गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। बहुत लेट आ रहा है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए इसीलिए। और वैसे तो मैं अभी वो ढूंढ रहा हूँ, क्या बोलते उसको, हाँ मैंने एक जगह पे अपना स्टोन लगाया था, वहाँ पर टॉर्च लगाई थी, और वहाँ पर शायद वो था ज़ॉम्बी स्पॉनर था, तो कहाँ पर गया पता नहीं, मिल ही नहीं रहा है। मेरे को लगा टॉर्च लगा के रखूँगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाद में देखते हैं। ये चाहिए मेरे को ना, तो ये अपग्रेड के लिए। फॉर्च्यून का तो हो चुका है। खोल बन के, खोल, वाह, जाने नहीं दूंगा मैं तेरे को। नहीं, तुम्हारी गोल चोरों से कम है के। ओके, तो अभी हम लोग के पहले क्या है, उसको अपग्रेड करने के लिए विलेजर को। ये लो, ये ले, लो, एलो, 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 अपग्रेड हो जाए। चलो, और इसको ये लेंगे क्योंकि हाँ उसको स्टिक्स लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ्लेचर को, तो ये स्टिक्स ले लेंगे। आधे तो है ही नहीं इन्वेंटरी में, बाप रे इन्वेंटरी पूरी भरी हुई है। मेरे को डालना चाहिए यार, कचरा पूरा भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और ये इसको रहने दे, तो बाद में देखते हैं। उड़ जा फ्लेचर, किधर गया, तो रख यार किधर को भी, इधर रख देते हैं। हाँ फ्लेचर किधर है, क्या मिला मेरे को, ठीक है। फ्लेचर कौन सा इसमें से, ये वाला, ये हाँ ये वाला है। ओ लकड़ी बेच दे मेरे को। और थोड़ा सा, नहीं ठीक है, हाँ ये भी है, ये ले ले, सो मच, अपग्रेड हो जा। अनब्रेकिंग टू क्रॉसबो, हाँ ठीक है, मतलब क्या ही कर ली। चलो हाँ, ये हाँ इसे नेम टैग चाहिए था। आयरन फार्म बनाने के लिए एक नेम टैग तो लगेगा, तो उसको दे देंगे हम लोग। क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ जॉम्बी को, जॉम्बी को नेम टैग लगेगा। चलो ठीक है, यहाँ से जाएंगे, कुछ है नहीं, ठीक है। अब ये लो, वो सामान किधर गया। ये सब रख देते कचड़ा, क्योंकि फिर वापस से वही है, कचड़े भर जाते हैं इनकी वजह से, फिर कुछ लूट नहीं पाता हूँ मैं। रख दो रख दो रख दो रख दो, जो भी फालतू का अभी तो रख दो, अभी के लिए तो टेम्पररी, बाद में हम लोग निकाल लेंगे। ये आधा कर लो, और ठीक है। और नेम टैग इसका नाम मैं रखूँगा चोमू, क्योंकि बड़ा ही जॉम्बी जो है वो विलेजर्स को चिपक रहा है, पता नहीं क्यों नाम दिया। ठीक है, ओके हो गया, अब चलते हैं।
कुछ है उधर? ओ स्केलेटन है, ठीक है चलो 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 चलो। अबे मेन चीज तो भूल ही गया, रुक जा रुक जा रुक जा भाई। ना नेम टैग ले लिया लेकिन सामान तो लिया ही नहीं, बाकी सब लिया लिया लिया। क्या ओ भाई ओ, ओ, ओ ये घर तो रहा है। निकल निकल निकल, ठीक है इतना क्या एक्साइटमेंट, बाप रे। ये देखो कैसा सो रहा है, खुले में सो रहा है ये। तो गाइस इसके बाद का जो भी रहेगा वो रहेगा 2x स्पीड में, और मैं इसके ऊपर बस वॉइस ओवर करूँगा, ठीक है? तो आप इंजॉय कर दीजिए, मैं चला देता हूँ। और बिंदास देखिए मैंने आयरन फार्म कैसे बनाया था और बीच बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, ठीक है? जैसे कि अभी ये प्रॉब्लम आया था, पता नहीं हार्डकोर पे सबसे ज्यादा क्रीपर्स पाए जाते पता नहीं क्यों। तो ये जगह को हम लोग क्लेन करने वाले थे, तो इसलिए मैंने यहाँ का पूरा जो डर्ट है हटाने की कोशिश किया। इसके बाद मैंने पता नहीं क्यों मेरे को फ्री में अंडे मिल रहे थे तो मैंने उड़ाने की कोशिश की, मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था ऐसे ही फायर कर रहा हूँ बस। चलेगा इसको अंदर जाना था, इसको नहीं जाना था। तो इधर से 5 ब्लॉक्स के डर्ट के लगेंगे, डर्ट यानी कि टेम्पररी ब्लॉक, फिर एक कोई तो भी कोई भी नॉर्मल ब्लॉक, फिर उसके ऊपर पिस्टन, फिर वो जो ब्लॉक है ग्लास का उसके बाजू में एक डर्ट, और फिर बाद में कोई भी एक नॉर्मल ब्लॉक्स 3। ओके तो इधर एक आएगा और इधर 2 आएगा। मैं बस टेस्ट कर रहा था कि रेड स्टोन ब्लॉक उसके ऊपर लग सकता है कि नहीं, फिर बाद में यहाँ पर एक ब्लॉक और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, फिर बाद में ये तोड़ देने का और इसके ऊपर रेड स्टोन और रिपीटर का ये लगाने का, जैसे रिपीटर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, फिर एक रेड स्टोन यहाँ पर और रेड स्टोन यहाँ पर, फिर ये डर्ट ब्लॉक तोड़ देने का। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे ये। अब मेरे को लगा कहाँ पर लग गया समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास लगाया, यहाँ पर मैंने ग्लास लगाया था, लेकिन ये बाद में जब मेरे को इशू होने लगा क्योंकि रेड स्टोन काम नहीं करता है ग्लास ब्लॉक्स में, कोबल स्टोन काम कर जाता है, इसीलिए मैंने ये किया था। अब ये बाद में मैं चेंज कर देता हूँ। अब पता नहीं अचानक से ये इनविजिबल होने लग गया था, मैंने सोचा पता नहीं कुछ ग्लिच होगा, बाद में देखते हैं ट्राई करेंगे। फिर मैंने यहाँ पर बेड लगाने की कोशिश की, 1, 2 और 3, वो भी इनविजिबल हो गया। फिर मैंने सोचा कि ये रहने देते हैं और इसको एस्केप दबा के मतलब वापस से गेम स्टार्ट करेंगे तो हो जाना चाहिए। तो मैंने ये गेम वापस से रिस्टार्ट किया और अच्छा हुआ नॉर्मली चालू हो गया, वरना मैं पूरे टाइम गायब रहता, मतलब मेरे सारे सामान। तो ये हो जाने के बाद मैंने इसके ऊपर मतलब मेरे को कंपोस्टर लगाना नहीं था, मेरे को बस ऊपर चढ़ना था, तो ये मैंने लगाया और इधर बेड लगा वापस से और कंपोस्टर लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। जो विलेजर्स यहाँ पर लगाऊंगा मैं तो उनके लिए एक जॉब रहेगा, तो वो कंपोस्टर रहेगा जिससे वो फार्मर बन जाएंगे। उसके ऊपर हम लोग वो लगाएंगे ट्रैप डोर्स और फिर एक टेम्प्रेरी ब्लॉक, फिर नीचे हम लोग एक ट्रैप डोर लगाएंगे, उसके ऊपर शिफ्ट दबा के ट्रैप डोर और फिर ट्रैप डोर, ऐसे 3 ट्रैप डोर लगाने के बाद उसको सीधा खड़ा कर देंगे और फिर उसके साइड्स में कोई भी ब्लॉक लगा देंगे, और उसके बाद साइड में भी उसको पूरा घेरा कर लेंगे 3 हाइट के हिसाब से, ठीक है? 1 ये वाली और फिर कवर कर देंगे, ये देखो इसको
क्या सो रही है, मतलब जिधर जगह मिला उधर सो जा, उठ जा। हाँ तो ये हो गया। और फिर एक दो 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 एक दो, तो ये 3 ब्लॉक की हाइट हो गई है। उसके ऊपर यहाँ पर हम लोग वापस से ट्रैप डोर लगाएंगे 3। अब ये ट्रैप डोर इसीलिए है क्योंकि अगर जॉम्बी और विलेजर वो एक दूसरे से वो ना टच ना हो, क्योंकि विलेजर्स जो है वो जंप मार लेते हैं। वेरी गुड। तो मैं विलेजर को यहाँ से लेके जाता हूँ और यहाँ पर रख देते हैं। फिर विलेजर को लेके जाने के लिए यहाँ पर एक स्टेयर्स बनानी पड़ती है, तो मैं यहाँ पर एक स्टेयर्स बना देता हूँ। ये मैं जानबूझ के मतलब ना सारी चीज़ फास्ट फॉरवर्ड और सारी चीज़ रख रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में अगर किसी को सेम बनाना रहेगा या कुछ तो रहेगा ट्यूटोरियल, तो ये मिल जाएगा उनको, तो इससे एक वीडियो भी बन जाती है। और किसी को ट्यूटोरियल चाहिए रहेगा तो वो आयरन फार्म का ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा। अरे बिल्ली को देख लो कितना आराम से बैठी है। सबसे झंझट मारे यही था कि वो बोट से उतरने के बाद सब लोग अपने अपने घर में घुसने लग गए। मैंने सोचा फिर यहाँ से बेड लगा लगा के जाएंगे, इससे क्या होएगा कि वो हमेशा बेड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं सोने के लिए रात में। तो मैं यहाँ पर बेड लगा रहा हूँ और तोड़ रहा हूँ, फिर बेड लगा रहा हूँ फिर तोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगाओ, ये तोड़ो, फिर यहाँ पर लगाओ, उसके बाद ये लगाओ, और फिर ये दोनों तोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि फिर वो यहाँ से पास में है तो ये लोग खुद ही चले जाते हैं। देखो तो ये सबसे इजी रहता है टेक्निक अगर विलेजर्स को उसके अंदर डालने का है, तो कौन इतना रेल ट्रैक और वो सब लाएगा, इससे चाहिए ही ठीक है। ये देखो फिर चली गई सोने, क्या ही है, अजीब ही है बस। सोना सोना, यहाँ पर एक चेस्ट लगाओ और उसके ऊपर हॉपर लगाओ। अब उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 2 हॉपर थे, तो इसलिए मैंने 2 हॉपर यूज़ किया। उसके बाद मैंने उसके साइड में ब्लॉक्स लगाना चालू किया है उनके हाइट में, ताकि यहाँ पर अगर कुछ स्पॉन हो जाए, जैसे वो क्या नाम है उसका, गोलेम और वो सब, तो नीचे ना ही गिरने के लिए, तो ये एक हाइट रहती है आयरन गोलेम के लिए। और ये जगह तोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर वो विलेजर सॉरी जॉम्बी जाएगा यहाँ पर। और फिर ये कूदो, ये खोलो। अब मैं यहाँ से जा नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने ये तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद मैं यहाँ से गया, यहाँ पर एक लगाया, और फिर ये खोलो, और फिर यहाँ पर एक ये लेके वाटर, और फिर से मैं गिर ही गया। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, तो ये हटा, हट जा हट जा, मेरे को चाहिए हॉपर, तू यहाँ पर आ, हॉपर चाहिए मेरे को, हॉपर आ जा। इधर गया स्वॉर्ड, किधर है तू, ये ले मार, यस मर जा मर जा, वेरी गुड वेरी गुड, मर जा मर जा मर जा, कितना मरता ही नहीं है, मर गया। ओके तोड़ो तोड़ो, अब यही लेके जाएंगे और उस गोले को भी मारेंगे, तो देखेंगे मेरे हिसाब से 7-8 तो मिलने चाहिए मिनिमम। ये करो, लगा लगा लगा, तेरे तो एल लग गए। ओ भाई ओ भाई, 1 HP बच गया, खतरनाक यार। गलत जगह पे लगा दिया था मैंने, हार्डकोर सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है अभी तो। कॉमेडी चीज। अब एक जॉम्बी चाहिए था जो हमारा चोमू बनता, तो इसको मार दो, क्योंकि देखो एक प्रोटेक्टेड वाला चोमू ज़्यादा फायदे का है, क्योंकि फिर वो जल्दी मरेगा नहीं, चाहे वो डे होगा तब भी या किसी से मार खाएगा तब भी। तो मैंने इसको लिया, ऊपर आया, पीछा करवाया उसको, और यहाँ पर आके इसको गिरवा दिया इसके अंदर। वैसे गिर तो नहीं रहा था, हाँ आप गिर गया, देखो तो डायरेक्ट जैसे डाला वैसा गोलम स्पॉन हो गया। फिर मेरे को इस टाइम पे समझ में नहीं आया कि ये यहाँ पर कैसे स्पॉन हुआ, ठीक है। मेरे को बाद में समझ में आता है कि वो डर्ट में इसीलिए स्पॉन हुआ क्योंकि डर्ट और स्टोन्स पे ही स्पॉन हो सकता है, ग्लास पे स्पॉन नहीं हो सकते। तो ये मैं उसके वॉल बना रहा हूँ आजू बाजू में, और फिर
उसको धक्का दे रहा था और खुद ही गिर गया। बड़ा ही प्रो हूँ मैं प्रेयर, वैसे बहुत 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 प्रो हूँ मैं, इसीलिए ऐसा होता है मेरे साथ। मैं फिर यहाँ से इसको धक्का दे देता हूँ और यहाँ पर वॉल लगा देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी एक जगह पे वॉल लगाएंगे और इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड लगाने से हम लोग यहाँ पर लावा रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लगाओ, यहाँ पर एक लगाओ और यहाँ पर एक लगाओ। फिर उसके फोर्थ साइड पे भी है तो यहाँ पर भी लगाओ। उसके ऊपर एक लगाने का है, उसके इधर लगाने का है, अब भी हर फोर साइड में यहाँ पर भी लगा देने का। उसके बाद यहाँ पर अभी इसमें अंदर लावा डालने का है, तो हमें लावा लेके आना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग लावा ले लेंगे फ्री में जो मिल रहा है। फिर बाद में ऊपर जाके यहाँ पर लावा डाल देंगे, हो गया। अब यहाँ पर पानी लाना था तो पानी आ चुकी है, ये पानी यहाँ पर डाल दो। और हमारी बिल्ली यहाँ आग लग गई, आग। हाँ तो फिर यहाँ पर हम लोग बिल्ली के साथ नाचना चाहिए करेंगे। एक ग्लास लगा रहा हूँ टेम्पररी, जब तक मेरे पास वो नहीं रहता हॉपर। इस चोमू का भी नाम देने का है, हो गया चोमू का नाम। अब यहाँ पर एक रेडस्टोन लगाने का है, रेडस्टोन टॉर्च सॉरी। तो रेडस्टोन टॉर्च बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो फिर एक कर स्टिक बनाओ और उसके अंदर एक रेडस्टोन लगा के रेडस्टोन टॉर्च। अब ये लगाने के बाद एक इशू होता है कि वो चलता ही नहीं है। अब वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ ग्लास से बनी हुई है और जो डिस्टेंस जो रहता है बीच में जो कनेक्ट होता है वो ग्लास के तरफ से नहीं हो सकता। तो हम लोग को अभी इसमें से कोबल स्टोन करना पड़ेगा सारी चीज़। मैं कोबल स्टोन लगा देता हूँ। अब मेरे को ये वाली जगह भी कोबल स्टोन से ही भरनी पड़ेगी क्योंकि ग्लास पे स्पॉन नहीं होते गोलम। जैसे मैं यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर देता हूँ कोबल स्टोन, तो एक अच्छी चीज़ होती है और वो है गोलम आ जाता है। तो मेरे को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल गया, वो भी लाइव टेस्ट करके। तो ये सारे चीज़ तोड़ते रहते हैं हम लोग। अब हर एक चीज़ तैयार हो चुकी है, तो अभी के लिए तो इतना ही रहेगा एपिसोड में। आयरन गोलेम का फार्म बनाया, ये सारी चीज़ मैंने थोड़ी सी अच्छे से डिज़ाइन कर ली है पूरी। यहाँ पर मैंने एक सिटिंग एरिया बनाया और ये हुआ है मेरा 15 मिनट के अंदर। तो 15 मिनट में मेरे को लगभग समझ लो 70-80 आयरन ये मिले इंगट और 15-20 मेरे को वो मिले पोपी। तो बहुत अच्छा फार्म है और मैं पोपी को भी रखा है इसीलिए क्योंकि वो बाद में डाई बनाने के काम आता है, तो इसीलिए पोपी को भी रखा है। और आयरन गोलम मतलब आयरन फार्म बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मज़ा आ गया। और अभी के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगर कुछ सजेशन रहेंगे तो मेरे को कमेंट कर देना और जिसको पसंद आया वो लाइक कर देना। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो थोड़ी सी छोटी भी है और कंटेंट थोड़ा सा छोटा है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का और उसके ऊपर अपलोड करने का सोचा। हालांकि वो ऊपर जो है वो आग जल रहा है लेकिन वो पूरा जल के खाक नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए अच्छी बात है कि वो एक वो बन जाता है टाउन सेंटर जो भी बोलो। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखना, लव यू गाइस। और नेक्स्ट वीडियो का कोई आइडिया रहेगा तो बता देना मेरे को कमेंट में। गुड बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। ठीक है, टाटा। और सॉरी जिनको भी लेट हुआ।